सो so, मैं अपनी वर्चुअल केयर बार के प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत खुशी हो रही है सो so, डॉक्टर को हम कंप्यूटर से ज़रिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं जो आपका परिवार वाला जब आपका परिवार का कोई कोई को, सदस्य डॉक्टर को दिखा सकता है वर्चुअली कंप्यूटर के जरिए वो कैसे दिखा सकते हैं मैं आपको कुछ स्लाइड्स आपके साथ साझा करना चाहूंगा जिसके बारे में इस इसके बारे में हम बात करेंगे जो ये प्रेजेंटेशन है वर्चुअल केयर के बारे में उसके में होता ये है कि मैं उस तरह से चेक नहीं कर सकता जैसे डॉक्टर आपको चेक करता है इसमें स्क्रीन के ऊपर जो है चेक कर सकता हूँ मुश्किल ये है मैं आपके साथ बातचीत ही कर सकता हूँ पर शरीर तौर पर चेक नहीं कर सकता उसमें क्या है ना चार चार जो क्षेत्र हैं जहाँ पे मुश्किल महसूस होती है अगर आप घर में हो इस बारे में तैयारी की हुई है तो हमें बड़ी मददगार साबित हो सकती है पहली चीज ये है क्या टेम्परेचर या तापमान है चेक करना है स्क्रीन पे उल्टे हाथ उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है जैसे आपका थर्मामीटर होता है वैसे एक मीटर दिख रहा है आपको वो जीप के नीचे रखते थे और हम टेम्परेचर जो है तापमान दिखा देते थे बच्चों के लिए गोलाकार का टिप वाला जो है थर्मामीटर होता था जो उसके जो पिछवाड़े में लगा देते थे उससे भी तापमान हमें मिल जाता था दूसरे पास आप देख रहे हो सिर पे लगाने के लिए टेप है वो आसानी से मिल जाती है या फिर और अच्छा तरीका देखना है तो इंफ्रारेड जो है ना मीटर है जैसा होता है वो भी ले सकते हैं वो घर में आप अपना ले खरीद सकते हैं ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं कि अपना टेम्परेचर पता लग सके उससे थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है कि शरीर का ता तापमान तो टेम्परेचर कितना है अगर घर पे हो तो आपको मदद मिलती है दूसरी चीज ये है ना अब सुनना चाहेंगे आपके पता करना चाहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है के कि बिना देखे के ब्लड प्रेशर अगर लेना हो तो क्या हम तो बता नहीं सकते ब्लड प्रेशर आपका पर आप देख रहे हो कि ब्लड प्रेशर चेक करने वाली कफ है जो अगर सीधे हाथ पे देखें जो ऊपर का नंबर है जो जैसा ब्लड प्रेशर ऊपर वाला वो दिखा रहा है जो बीच में है जो नंबर दिखाया जा रहा है वो नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो दिखा रहा है और उससे नीचे जो है अस्सी नंबर दिखा रहा है वो आपकी दिल की धड़कन है जो दिल की धड़कन है हार्ट रेट जिसे कहते हैं जो मशीन के ऊपर हम देख सक रहे हैं ये सारी जानकारी हमें मिल सकती है आम जो कोई भी इस तरीके के जो मॉडल हैं अपने फोन से भी लिंक कर सकते हो और सारा दिन उसके बारे में चेकअप चेक कर सकते हैं कि फोन के ऊपर बताता रहता है आपको या हाइपर टेंशन डॉट सी ए की वेबसाइट पर जाएंगे उस पर कई तरीके के ब्लड प्रेशर कफ जो है ना उनकी जानकारी दी गई है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको वो आपके लिए जो अच्छी है जो आपके लिए ठीक हो सकती है अगर आपका कोई सवाल हो अगर कोई सवाल पूछना है या ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप अपने ड्रग स्टोर या फार्मेसी पर जाके फार्मेसिस्ट से बातचीत भी कर सकते हैं और वो आपको इस बारे में बता सकता है कि कौन सा ब्लड प्रेशर कफ आपके लिए सही रहेगा तीसरी बातचीत करेंगे हार्ट दिल कितनी दल दिल कितनी तेज चल रहा है तो वैसे ब्लड प्रेशर कफ लेते हैं उस हमने बताया कि उस पर जो दिल की धड़कन भी आती है वो हमारे लिए तो वही ठीक होता है पर फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो बाजार में इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं जिससे मदद मिल, मिल सकती है जो खाली दिल की धड़कन बताते हैं वो खाली दिल की धड़कन नहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग भी करती हैं दिल की वह हर एक चीज दिल की दिखाते हैं वैसे तो हार्ट रेट कलाई के ऊपर महसूस कर सकते हो या गर्दन के तरफ से भी महसूस करके हार्ट रेट दिल की धड़कन पता कर सकते हो कि आपकी दिल की धड़कन कितनी है और आपको पता होनी चाहिए जो कलाई से या गर्दन से भी पता कर सकते हैं इस तरीके की कुछ और भी चीज भी है एप्स भी हैं किस तरीके की जैसे जूमियो है एक हाँ। वो खास तौर से वो इस तरीके से बनाई गई है मोबाइल फोन पर वो आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं उससे क्या होता है कि जो लाइट है उस पर उंगली रखेंगे आगे, वो आपके हार्ट रेट और धड़कन वगैरह सारा कुछ बता देगा आपको पता लग जाएगा ये 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 भी काफ़ी है आप ये भी अच्छे अच्छे तरीके की चीज़ है चौथे नंबर पे यह है ऑक्सीजन जो लेवल है कितनी ऑक्सीजन है खून में वो उसके बारे में पता लगा सकते हैं क्या होता है कि जैसे उंगली उंगली का एक किनारा होता है उससे थोड़ा बहुत पता लग सकता है ऐसे चीज़ ऊपर लग जाती है उसे देख देख रहे हो के में नाइन्टी सेवन परसेंट बता रही है आपको सतानवे परसेंट ये कि भाई ये दिख आपको दिख रहा है ये नॉर्मल है साधारण है जो नीचे का नंबर है इक्यानवे दिख रहा है वो भी एक अच्छी डिवाइस है जो उन लोगों के लिए है जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है हम तो उनमें देखना चाहेंगे कि जरूरी के खून में ऑक्सीजन कितनी है कुछ घड़ी भी मिल जाती हैं जो आप अपने लगाओ कलाई पर तो ऑक्सीजन की मात्रा बता देती है अपने खून में कितनी है कुछ बता देती हैं फिर भी मैं उन घड़ियों को मैं उनको इतना अच्छा नहीं मानता जबकि जो जो उंगली की शुरुआत में फिंगर टिप पर किनारे पे वो जो डिवाइस मिलती है वो वो ज्यादा अच्छा तरीका है और अच्छा बताती है वो आखिर में मैं ये बताना चाहूंगा एक डॉक्टर जो है आप किस तरीके से वर्चुअली कैसे चेक करा सकते हैं आप जैसे प्रभावित हुए होंगे किस तरीके से वीडियो में के कनेक्ट कर लेते हो डॉक्टर के साथ आजकल मार्केट में चीज यहाँ गई हम है, उपलब्ध हैं जो एक बार छूने से वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ लिंक हो जाते हैं डॉक्टर के साथ जैसे भी बात करनी है तो उसमें एक स्क्रीन है और ख़रीद लेते हो और उसको जैसे छूते ही आप उसके साथ जुड़ जाते हैं उससे आप उसको देख उससे बातचीत कर सकते हैं वो वो भी एक ऐसी मशीन लेने के बारे में सोच सकते हैं सो so, धन्यवाद आपके लिए बातचीत करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ